गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। सो आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना सुबह सुबह किधर जा रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं जा रहा हूँ हमारे बिल्लो को लेने के लिए। और आप लोगों को लग रहा होगा ये बिल्लो कौन है, तो बिल्लो कौन है मैं, चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बिल्लो कौन है, उसे मिलाता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं अपना गांडू चकल देता हुआ, और यहाँ पर मेरा भाई जो एकदम हीरो माफिक स्माइल देते हुए कि हम लोग अपना बिल्लो को वापस लेने जा रहे हैं, वो काफ़ी खुश है। तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं हमारे बिल्लो किस कंडीशन में, क्योंकि इतना दिन वो हाफलोंग पे था एंड हाफलोंग का एरिया बहुत ज़्यादा हिली रहता है। और मैं जाते हुए आप लोग को सिलचर का कुछ शोरूम्स ये सब भी दिखा दूँगा, कुछ कुछ पार्ट सिलचर का, तो जो लोग सिलचर के नहीं है उनको भी दिखाई देगा कि सिलचर कैसा दिखता है, और या फिर यहाँ का शोरूम्स कैसा है। अगर किसी को बाइक ख़रीदना है, जैसे कि कोई करीमगंज का है, कोई मिजोरम का है, तो वो लोग यहाँ से आके ले सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का हीरो शोरूम जो आप लोगों के सामने में है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे तो हम लोग को यहाँ में दिखेगा हमारा यामाहा का शोरूम। और आप देख सकते हैं यामाहा का शोरूम देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ठीक यामाहा शोरूम के बाजू में है आपका KTM शोरूम, जहाँ से हम लोगों ने लिया था आज से 5 साल पहले हमारा ड्यूक, और उसी ड्यूक को हम अभी लेने के लिए जा रहे हैं। तो और सामने चलते हैं, और सामने जाने के बाद हमें क्या दिखता है मैं आपको दिखाऊँगा। वो तो बोला वीवो का शोरूम में, जरा पता कर तो वीवो का शोरूम किधर है। मेरे को लगता है इटकोला में होगा, आई थिंक आनंद तो रोड पे भी वीवो का ही है अभी काफी समय। नोडू हां आनंद तो रोड पे भी है, तो उससे कंफर्म हो जाते हैं। सो फाइनली गाइस, हमारा भाई मिल गया जो यहाँ में राक्षसों का तरह खाना खा रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये रहा हमारा राजू भाई, और उसके पास में बेटा है हमारा मिंटू भाई, जो दोनों ये तो एक नंबर का बुखर तो ये है, जो उसको जहाँ में भी खाना मिलता है वहाँ में टपकेगा वो। तो दोनों भाई अभी खाना खा रहे हैं क्योंकि बेचारा सुबह से कुछ खाया नहीं है वो दोनों ने। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा बिल्लो को जो सामने में खड़ा है, सब कोई उसको देख रहे घूर घूर के, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा नहीं था मैंने राजा ने हमारे बिल्लो को, जो वापस अभी सिलचर पे आई है। अब वो हमें छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, बिल्लो का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है एंड बहुत ही गंदा दिख रही है, काफ़ी कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है बिल्लो पर, क्योंकि वो भाई भी बहुत दूर से आया है हाफलोंग से बाइक को लेके, तो इसके लिए थोड़ी गंदी हो गई है। पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा बिल्लो को देखने के बाद, क्योंकि इतने दिनों से मैंने देखा नहीं था बिल्लो को। और फिर हम उसको वहाँ से लेके चलते हैं, पहले उसको साफ़ करवाते हैं बिल्लो को, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको ऐसे देखते हुए। और साफ़ करवाने के बाद देखते हैं उसको, थोड़ा टेस्ट ड्राइव भी करके देखेंगे कि उसका हालत अभी कैसा है, सब कुछ चलाएंगे देखेंगे अभी। आईफोन है, सुंदर लग रहा है, शक्ल खराब होने से चिंता मत कर। हाँ इधर ही करवा ले। सर्विसिंग तो बहुत देर ढूंढने के बाद हमें एक सर्विस सेंटर फाइनली मिल गया, और मिलने के बाद हमने सोचा यहीं पे सर्विसिंग करवा लेते हैं। और हमारे भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ था, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि उनको कुछ खाने पीने का सामान ला के दिया जाए, क्योंकि वो भाई इतनी दूर से आए मेहमान हैं हमारे, सिलचर में आए हैं वो हम लोग से, तो उनकी दर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो मैंने राजा को बोला चल भाई उनके लिए कुछ लेके आते हैं, और राजा को बाइक में बिठाया एंड उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने चले गए हम लोग। और जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए गए, और जब हम वापस आए वहाँ से, तो आने के बाद हमने देखा कि हमारी बिल्लो को भैया ने एकदम चकाचक साबुन लगा के रखा हुआ है, और कुछ ही देर में बिल्लो एकदम रानी की तरह दिखेगी जब भैया इन साबुन सबको हटवा देंगे। तो वो देखते हैं कुछ देर बाद हमारी बिल्लो कैसी दिखती है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। राजू क्या कर रहे हैं, हमें मिंटू का हाथ भी क्या है। हाँ तो कौन है वे, पहचानते राजू पहचानते है उसको। हाँ हम भाभी को बताएगा, उसने नाम क्या था भाभी का, और भाभी का वाला नाम क्या है, ओ साले किधर था मेरा। हाँ मरवा, बाद में फिर वही गंदा लग जाएगा, छोड़ वो पूरा शाइन करेगा। हाँ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। और हमारी बिल्लो फाइनली चमकते हुए खोल रहे ना, और तो दिमाग खराब मत करते अभी।
सो फाइनली हमने हमारे बिल्लो को धुला लिया है और हमारी बिल्लो एकदम प्यारी सी दुल्हन की तरह दिख रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दुल्हन का एक टेस्ट ड्राइव लिया जाए और मैं जाके सीधा बिल्लो पर चढ़ गया। यानी चढ़ने के पास सोचा चलो देखते हैं अभी चला के बिल्लो कैसी है, बिल्लो का हालत कैसा है, क्योंकि बिल्लो इतने दिन से हाफलोंग पे थी। हाफलोंग का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन राजू मुझे पता है वो उतना चलाता नहीं है बाइक वाइक, एंड वो आराम से चलाता है जब भी चलाता है, इसलिए बाइक का कंडीशन अभी भी बेटर है। तो हम अभी चला के देखते हैं कि बाइक का कंडीशन कैसा है। तो मैं जैसे ही बाइक में बैठा एंड फिर मैं बिल्लो को लेके चल पड़ा और मैं काफ़ी देर तक चलाया। चलाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बिल्लो का आज से 5 साल पहले जैसा पिकअप था आज भी वैसा ही पिकअप है। पिकअप में कुछ भी डिफरेंस नहीं आया एंड बिल्लो को जैसे मैंने राजू के हाथ में सौंपा था वैसे ही सेम टू सेम बिल्लो मेरे हाथ पर आया है। और बस थोड़ा बहुत हुआ है बाइक में, लाइक क्लच थोड़ा टाइट हो गया है, तो वो सब तो नॉर्मल होते रहता है हर बाइक में, तो वो हम चेंज करा लेंगे जल्द से जल्द। और ब्रेक भी थोड़ा ढीला पड़ गया था तो ब्रेक को भी हमने थोड़ा टाइट करवाया और बाकी सब ठीक ही है। बाकी तो और कुछ चेंजेस नहीं आया बाइक में। मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ कि इस बाइक का साउंड कैसा है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट KTM मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि इसका साउंड सबसे ज़्यादा अच्छा है जितना भी KTM सीरीज़ का बाइक है। चाहे आप 390 ले लो, 250 ले लो, 125 ले लो, लेकिन सबसे अच्छा साउंड RC ले लो, लेकिन सबसे अच्छा साउंड इसका आता है। एंड इसका साउंड मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसका साउंड इतना क्लियरली आता है ना, डुक 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 वाला, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अभी आप लोगों को सुनाता हूँ कि इसका साउंड कैसा है, किस कंडीशन में है, पहले जैसा है या फिर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आया है साउंड में। तो आप लोग अभी सुनिए और मुझे बताइए कि इसका साउंड कैसा है। राजू स्टार्ट कर। मार मार भाई साले मार। अब मार फिर से मार दो। बाइक का साउंड आज भी वैसी है जैसे 5 साल पहले था, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पहले के जैसा। तो अभी भाई जाने वाला था तो हमने सोचा क्यों ना भाई को ड्रॉप कर दिया जाए। तो हम गए भाई को छोड़ने के लिए भाई का स्टेशन पे, वहाँ पे भाई सोमो पकड़ के चला जाएगा अपना हाफलोंग। तो हम उसको ड्रॉप करने के लिए गए और काफ़ी जल्दी भाई का डेस्टिनेशन भी आ गया। भाई हमारा भाई जा रहा है अभी हाफलोंग। आ गया गया इतना जल्दी डेस्टिनेशन, भाई का डेस्टिनेशन इतना जल्दी आ गया बे। भाई एक बार कुछ कहना चाहता है बोल दो, अभी मिल के कैसा लगा अपना अपना गर्लफ्रेंड लोग से? कुछ आखिरी ख्वाहिश हमेशा इसी तरह मिलते रहना और इसी तरह हम लोग को पैसा देते रहना। वेरी और भाई आपको कैसा लगा मिलके? मेरा तो क्या है भाई, ओए एक फोन खरीद दे रहा है मेरा भाई ये अनवर हुसैन और राजा यादव से। अरे हम तो अंबानी का बेटा है ना। नहीं वन प्लस खरीद दे रहा है कुछ। अच्छा अच्छा। और राजा आपको कैसे लगा बताइए राजा जी? लगा ये बाइक हम लोगों ने परचेज किया। अच्छा ये बाइक है। और भाई का पॉकेट में 1-2 लाख होते हुए वो हम लोग अभी 10 रुपए का शिकारी या कुछ खिलाएगा। भिखारी शक्ल देखो इसका, इसका सुना पिलाएगा। हाँ पॉकेट में देखो 1-2 लाख रखा हुआ ऐसे पड़ा हुआ, और हम लोग को अभी क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा भाई? बीर खाएगा बीर। चल जाना इसने दीपा दो पानी बना दो 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 गोल पे बैठ जाओ। और गाड़ी कब छोड़ेगा तेरा? ये क्या, ये क्रूजर है क्या? अभी कितना बजा?
और कुछ ही देर बाद भाई का जाने का टाइम हो गया और भाई से गले वले मिलके हमने बोला, भाई जल्दी वापस आना क्योंकि आई एम गोना मिस यू बेबी, तू ही एक मेरा गर्लफ्रेंड है, तेरे अलावा मेरा और गर्लफ्रेंड कौन है तू ही बता। हमने भाई को ये समझा रहा हो कि भाई जल्दी वापस आना ताकि हम जल्दी फिर मिल सके। और फिर भाई को छोड़ने के बाद हम वापस आने लगे घर की ओर, और घर के और आते समय हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगा हुआ था क्योंकि हमने सुबह में ब्रेकफास्ट किया था और अभी दोपहर के 3-4 बजने वाले थे। तो हमने सोचा यहाँ में बिग बाज़ार के पास यहाँ में एक फेमस पुलाव मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे बचपन से ही, तो हमने सोचा वहाँ में पुलाव खाते हैं। और फिर मैंने राजा को भेजा कि भाई तू जाके पुलाव लेके आ, मैं यहाँ में तेरा वेट करता हूँ। और आप लोग खुद बताओ पुलाव देखने में ही टेस्टी टेस्टी लग रहा है कि नहीं, बताओ? टेस्टी तो दिख ही रहा है और खाने में भी उससे डबल टेस्टी है। तो मैं अभी पूछता हूँ राजा को पुलाव खा के कैसा लग रहा है, आप लोग भी सुनिए वो क्या बोल। अरे भाई हमें पुलाव पार्टी देते हुए कुछ कहना चाहेंगे राजा जी? हाँ कैसा लग रहा है पुलाव खा के? बहुत टेस्ट। और फिर हमारा पुलाव खाना खत्म हुआ और हम घर की ओर चलने लगे। जाते समय मुझे रास्ते में ये व्यू दिखा आसमान का, इतना सुंदर वाला लुक, आप लोग भी देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। राजा क्या कर रहे है? राजा क्या कर रहे हो? ओए बाइक सुंदर है ना बाइक का। यो यो ब्लॉग मिल जाए कल मिल जाए। ओए ब्लॉग शूट भाई ला ब्लॉग ब्लॉग में तो नहीं आई बात है वो का व्यू देख दे। प्रो राइडर, एक प्रो राइडर मर गया और यहाँ में नया प्रो राइडर अपना स्टैंड दिखाते हुए डिस्कवर के साथ यादव लोग यहाँ में जाते हुए। तो आज हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया और फाइनली हमने हमारे बिल्लों को वापस लेकर आ गए। अब हमारी बिल्लू हमसे कभी दूर नहीं जाएगी, हमेशा सिलचर पर ही रहेगी। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और सबको तब तक अच्छे से रहिए एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।